बैक टू द चैनल। सो आज हम खड़े हैं रेनॉल्ट खटवानी डीलरशिप के सामने एंड यहाँ पे आज हम आए हैं रेनॉल्ट टाइगर का लॉन्च इवेंट एंड डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू कवर करने। सो टाइगर फाइनली लॉन्च हो चुकी है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे मेरी आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, काफी स्टनिंग लग रही है। एंड इस गाड़ी की एक और स्पेशल चीज मैं आपको बतानी थी कि ये गाड़ी मैं भी खुद लेने का प्लान कर रहा हूँ। सो देखते हैं क्या होता है, गाड़ी कैसी लगती है, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ इस गाड़ी को आज। सो चलते हैं हम इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ। सो लेट्स कीप गोइंग। रेनॉल्ट टाइगर लॉन्च हो चुकी है, मैं आ चुका हूँ इस गाड़ी के फ्रंट लुक पे। फ्रंट लुक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रेनॉल्ट की बैजिंग मिल जाएगी। जब आप ग्रिल को देखेंगे तो आपको क्विट की याद आएगी एंड जो DRLs है उससे भी आपको क्विट की याद आने वाली है। DRLs की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाती है, नीचे आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। सो दोनों की अलग अलग यूनिट है, एक यूनिट में दोनों नहीं है। नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको LED हेडलाइट्स मिल जाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं LED प्योर विजन की बैजिंग मिल जाती है। सो ओवरऑल जो गाड़ी का फ्रंट लुक है वो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, काफ़ी डैशिंग लग रहा है एंड काफ़ी अप मार्केट टाइप की लग रही है गाड़ी। सो मैं चलता हूँ उस गाड़ी के साइड लुक की एंड साइड लुक की बात करता हूँ। सो लेट्स कीप गोइंग। रेनॉल्ट टाइगर के साइड लुक पे तो गाड़ी की साइड लुक से बात करूँ तो काफ़ी अपीलिंग लगती है एंड थोड़ा सा स्लोपी रूफ लाइन दिया हुआ है आप देखेंगे पीछे से। सो इसको स्पोर्टी फील भी दे रही है गाड़ी को। यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको फ्यूल लिड मिल जाएगा जिसकी 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ऊपर की बात करूँ तो आपको गाड़ी का रूफ रेल्स मिल जाते हैं जो फंक्शनल रूफ रेल्स हैं एंड ड्यूअल टोन कलर में खड़ी हुई है गाड़ी। बात कर लेता हूँ अलॉय व्हील्स की तो यहाँ पे आपको 16 इंच के ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं एंड जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है वो रहने वाला है आपका 205 mm का। जी हाँ, 205 mm बहुत ज़्यादा है ग्राउंड क्लियरेंस एंड बेस्ट इन सेगमेंट ग्राउंड क्लियरेंस है ये गाड़ी का। बात कर लूँ गाड़ी के ORVMs की तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विथ इंटीग्रेटेड LED टर्न इंडिकेटर के साथ ये ORVMs आपको मिल जाते हैं। विंडो एरिया देखेंगे गाड़ी का तो काफ़ी वाइड दिया हुआ है, क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा आपको गाड़ी के साथ। सो ये था आपका पूरा रेनॉल्ट टाइगर का साइड लुक। अब चलता हूँ इस गाड़ी के बैक लुक की तरफ। सो लेट्स कीप गोइंग। तो अब मैं आ चुका हूँ रेनॉल्ट टाइगर के बैक लुक की तरफ। सो बैक लुक में गाड़ी काफ़ी प्रीमियम लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है एंड सबसे पहले बैक लुक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रेनॉल्ट की बैजिंग मिल जाएगी, इसी के अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा में दिख जाएगा। सो ये एक काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट दिया हुआ है रिवर्स पार्किंग कैमरा का। यहाँ पे नीचे आपको टाइगर की बैजिंग मिल जाएगी। विंडस्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्लोपी विंडस्क्रीन मिल जाती है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे रियर वाइपर भी दे रखा है। यहाँ पे आपको रियर वॉशर मिल जाएगा एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी रहेगी आपकी रियर विंडस्क्रीन से। यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स मिल जाएगी, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा एंड जब आप गाड़ी को पीछे से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्पॉइलर मिल जाएगा। काफ़ी अलग शेप में स्पॉइलर दिया हुआ है एंड काफ़ी प्रीमियम लग रहा है स्पॉइलर। यहाँ पे आपको साइड में रेनॉल्ट की बैजिंग मिल जाएगी। टेल लैम्प्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प्स मिल जाते हैं गाड़ी के साथ। नीचे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का सपोर्ट मिल जाता है एंड सबसे नीचे आपको स्कर्ट प्लेट्स मिल जाती है सिल्वर फिनिश में दिए हुए हैं। सो काफ़ी एक स्पोर्टी फील दे रहा है गाड़ी को। अब मैं चलता हूँ इस गाड़ी के बूट की तरफ एंड दिखाता हूँ आपको उस गाड़ी का बूट। सो लेट्स कीप टाइगर के बूट की तरफ। सो ओपन कर लेता हूँ गाड़ी के बूट को तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट रिलीज मिल जाता है। ओपन कर लेता हूँ इससे बूट को। सो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है जो 20 kg तक का वेट होल्ड कर सकती है। यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैसिव 405 liters का बूट स्पेस मिल जाता है, बहुत ज़्यादा है एंड बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस बन चुका है अब ये गाड़ी का। स्पेयर टायर की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको स्पेस सेवर स्पेयर टायर मिल जाता है गाड़ी के साथ जो आपका 15 इंच का स्टील व्हील रहने वाला है। गाड़ी में आपको टॉप मॉडल में 60-40 स्प्लिट का भी फीचर मिलता है। सो काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है ये। कर लेता हूँ मैं बूट को बंद, चलता हूँ इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो लेट्स कीप गोइंग। सो मैं आ चुका हूँ रेनॉल्ट टाइगर के इंजन की तरफ। इंजन की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। एक है आपका 1 liter का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 72 bhp का पावर एंड एक आपका जो आपके सामने देख सकते हैं ये आपका 1 liter का टर्बो पेट्रोल इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 99 ps ऑफ पावर। सो मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के ट्रांसमिशन ऑप्शन की तो इस गाड़ी में आपको 3 transmissions मिल जाते हैं। एक आपका मैनुअल है, एक आपका CVT है एंड एक आपका AMT है। AMT आपको सिर्फ नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ मिलेगा एंड CVT आपको 1.0 के साथ मिलेगा, मैनुअल आपको दोनों में मिलेगा। सो मैं चलता हूँ इस गाड़ी के बैक लुक की तरफ। सो लेट्स कीप गोइंग। टाइगर के बैक डोर के लुक की तरफ। टाइगर के बैक डोर को मैं ओपन कर लेता हूँ।
एंड दिखा देता हूँ आप लोग को। सो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट में ब्लैक डोर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा टेक्सचर मटेरियल्स मिल जाएगा, यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डोर रिलीज मिल जाएगा, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा, रियर स्पीकर यहाँ पे दिया हुआ है एंड डोर पिंस में आपके आराम से 1 लीटर की बॉटल आ जाएंगी। चलता हूँ मैं गाड़ी के अंदर एंड गाड़ी के अंदर आपको दिखा देता हूँ। सो गाड़ी के अंदर मैं आराम से बैठ गया एंड इन एंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नी रूम सफिशिएंट है, लेग रूम सफिशिएंट है एंड हेड रूम भी सफिशिएंट है। मैंने मैग्नाइट के अंदर भी बैठा हूँ जो इसका एकदम टफ कॉम्पिटिशन वाली गाड़ी है। सो उससे बेटर स्पेस लगा मुझे टाइगर के अंदर, पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपके ओपिनियंस आप पे डिपेंड करते हैं, सब पे अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। यहाँ पे आपको कंफर्ट में पीछे रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे नीचे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। सो कंफर्ट का पीछे पूरा ध्यान रखा गया है रेनॉल्ट ने। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स एंड यहाँ पे आपको फोन स्टोरेज की भी स्पेस मिल जाती है गाड़ी में। सो ये था आपका गाड़ी का ओवरऑल बैक लुक। अब चलता हूँ इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तरफ। सो लेट्स कीप गोइंग। गाड़ी का फ्रंट लुक दिखाने से पहले मैं गाड़ी की कीज की आपको एक स्पेशल फीचर की बात करना चाहूंगा। सो सबसे पहले ये है आपकी गाड़ी की की। सो यहाँ पे लॉक अनलॉक बूट रिलीज एंड फॉलो मी हाउम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन मिल जाता है। सो अगर मैं इस कीज को अपने पॉकेट में रख के गाड़ी से वॉक बाय करूंगा तो गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाड़ी लॉक हो चुकी है एंड अब मैं गाड़ी के पास जाऊंगा तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी अपने आप ही। तो आप देख सकते हैं गाड़ी वापस अनलॉक हो चुकी है। सो ये एक काफ़ी क्लेवर फीचर लगा। अब मैं चलता हूँ सीधा गाड़ी के अंदर, डोर को खोलते हैं। डोर की मैं बात कर लूँ सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक फिनिश में फ्रंट डोर मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे विद ड्राइवर ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ। यहाँ पे आपके ORVM के कंट्रोल्स हैं एंड जो ORVM का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा। यहाँ पे आपको विंडो म्यूट का फंक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डोर क्लोज करने के लिए ग्रैब हैंडल मिल जाता है। सो काफ़ी स्टर्डी डोर हैंडल है ये। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ डोर रिलीज मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा, डोर बेंच में आपके आराम से 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी, यहाँ पे आपको फ्रंट स्पीकर मिल जाता है। यहाँ की सीट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट मिल जाती है। सो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी हुई है पूरी सीट। सो अब मैं चलता हूँ सीधा गाड़ी के अंदर एंड बात करता हूँ गाड़ी की। सो लेट्स कीप गोइंग। फाइनली रेनॉल्ट टाइगर के अंदर एंड अंदर की बात करूँ सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील की बात करना चाहूंगा। सो यहाँ पे आपको 3-स्पोक मल्टीफंक्शन स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको यहाँ के आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल मिल जाएंगे। सो इसमें कोई MID नहीं दी हुई है, इसमें डायरेक्टली आपको एक 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। अगर स्टॉक गेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प का स्टॉक गेज मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको वाइपर का। एक मुझे एक अच्छी चीज़ नहीं लगी गाड़ी में, यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन नहीं मिलता है। सो इस प्राइस रेंज में टॉप मॉडल में देना चाहिए था, बट स्टिल इट्स नॉट देयर, नॉट अ प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टेयरिंग व्हील में थोड़ा बहुत लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाती है ऑन द वेरी टॉप कॉर्नर। सो यहाँ पे अभी मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं ऑन द टॉप मॉडल एंड बाकी सब में आपको 2 मिलते हैं। सो 2 एयरबैग्स इस गाड़ी में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं आपको। सो अब मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी को ऑन करके इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सो डिजिटल है, सो ऑन हो रहा है। सो ये है आपका 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसकी सेटिंग्स आपको यहाँ से मिल जाती है। सो दिखा देता हूँ मैं आपको इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो यहाँ पे आपको फ्यूल इकोनॉमी मिल जाएगी एंड वेरियस फंक्शंस मिल जाते हैं इसमें। आपका ट्रिप ए है, यहाँ पे आपका ट्रिप बी मिल जाता है आपको। सर्विस टाइम में रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं गाड़ी के, डिमिंग कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिजिटल स्पीडोमीटर आ गया है। सो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख रहे हैं, ये गाड़ी के नॉर्मल मोड में देख रहे हैं आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो इस गाड़ी में आपको 2 और मोड मिलते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ग्राफिक्स चेंज होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं इको मोड पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स एकदम चेंज हो चुके हैं एंड यहाँ पे आपको एक स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाता है। सो आपको ऊपर इसमें RPM मिल जाता है, नीचे आपको आपका डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है। सो काफ़ी क्लेवर। यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा एंड लेफ्ट साइड में आपको इंजन टेम्परेचर मिल जाएगा। सो ओवरऑल गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब मैं चलता हूँ इस गाड़ी के डैशबोर्ड के डिज़ाइन की तरफ। सो आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड डैशबोर्ड दिया हुआ है गाड़ी में एंड जो पैसेंजर सीट है उसमें भी आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है, लेदर अपहोल्स्ट्री नहीं मिलती है इस गाड़ी में। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ ग्लव बॉक्स की, जो मेरे को एक चीज़ बहुत अट्रैक्टिंग लगी इस गाड़ी में। सो यहाँ पे आपको ड्यूअल ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ऊपर आप देख सकते हैं डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस है, एक बॉटल आपकी आराम से आ जाएगी। एंड यहाँ नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको आपका नॉर्मल ग्लव बॉक्स मिल जाएगा जो मैसिव है, मतलब साइज इसका बहुत ज़्यादा बड़ा ग्लव बॉक्स दिया हुआ है ये। सो स्टोरेज की तो आपको फ्रंट कैबिन में कोई भी कमी नहीं लगेगी। अब चलता हूँ मैं गाड़ी के सेंटर कंसोल के लुक की तरफ। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक 8 इंच का टच स्क्रीन पैनल मिल जाएगा विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड वायरलेस एप्पल कार प्ले। इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं ये आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा है। सो जो क्वालिटी है रिवर्स पार्किंग कैमरा की वो मेरे को एवरेज लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगा मैं उसको। यहाँ पे मैं आपको होम पे लेके चलता हूँ इसके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको व्हीकल सेटिंग्स भी मिल जाती है।
सो यहाँ पे सिर्फ व्हीकल सेटिंग्स में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा का दिया हुआ है। ड्राइविंग इको मोड आप यहाँ से देख सकते हैं, ड्राइव आपकी कैसी है सो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्कोर स्कोर मिलता है। सो ये एक थोड़ा सा पार्टी ट्रिक वाला फीचर हो जाता है। यहाँ की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट का फंक्शन, लॉक का बटन मिल जाएगा। यहाँ नीचे की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको आपके एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। सो इस गाड़ी में आपको सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट्रॉनिक एसी आता है। सो इसके बटन आपको वेन्यू से और मैग्नाइट से इंस्पायर्ड लगेंगे। सो काफ़ी अच्छे बटन्स दिए हुए हैं एंड काफ़ी सेटिस्फाइंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको एसेसरीज में वायरलेस चार्जिंग पैड आप लगवा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक नॉर्मल फ़ोन रखने की स्पेस है। यहाँ पे आपको यूएसबी मिल जाएगी जो आपकी चार्जिंग यूएसबी भी है, बट दिस इज़ फॉर योर वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एज वेल एज वायर्ड एप्पल कार प्ले। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। सो काफ़ी एक अच्छे फिनिश में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश में आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको नीचे थोड़ा बहुत स्टोरेज और स्पेस मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, जिसमें आप जैसे ही रिवर्स गियर पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है गाड़ी के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक बटन दिया हुआ है, सो ये आपके एम्बिएंट लाइटिंग का बटन रहने वाला है। जैसे मैं इसको दबाऊंगा सो यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग है, इधर पे है एंड एक यहाँ पे। सो रात में आपको काफ़ी अच्छा फील देगी अपने आप में। यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं जो रेनॉल्ट काफ़ी ज़्यादा उसको अपमार्क कर रहा है। सो यहाँ पे आपको 3 ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं, पहला आपका इको है, दूसरा आपका स्पोर्ट्स है एंड एक आपका नॉर्मल है। सो ये आपके 3 ड्राइविंग मोड्स हैं गाड़ी के। यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा हैंड ब्रेक, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है एंड जो सेंटर कंसोल का ओवरऑल डिज़ाइन लगा मुझे काफ़ी प्रीमियम लगा है एंड काफ़ी थोड़ा अलग टाइप का डिज़ाइन लगा ये, बाकी कार्स से रिजेंबल नहीं करता। बट हाँ, अगर आप इस डिज़ाइन को देखेंगे तो आपको नेक्सॉन की याद ज़रूर से आने वाली है। सो यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया हुआ है, आर्मरेस्ट को आप इस तरह ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपके कप होल्डर्स के लिए स्पेस है। सो ये काफ़ी बड़ा स्पेस बन जाता है ओवरऑल, आप इसको बंद करके इसको भी ओपन करके चला सकते हैं। बट एक और सैड पार्ट लगा इस गाड़ी में यहाँ पे कि आर्मरेस्ट स्लाइडेबल नहीं है। सो ये फिक्स्ड आर्मरेस्ट है, फिर भी फर्स्ट गियर में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बट ऑन द फोर्थ गियर एंड सेकेंड गियर दिस इज अ कम्फर्टेबल आर्मरेस्ट, यही बोलना चाहूँगा इस आर्मरेस्ट के लिए। सो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे हमारा इंटीरियर का ऑलमोस्ट रिव्यू खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपको एक मैनुअल IRVM मिल जाएगा, यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाएंगे, रीडिंग लैंप्स पीछे भी आपको मिल जाता है, वैनिटी मिरर मिल जाते हैं आपको दोनों साइड में, सनवाइजर्स के दोनों साइड में आपको वैनिटी मिरर मिल जाते हैं गाड़ी में। सो ये था आपका रेनॉल्ट टाइगर का पूरा वॉक अराउंड रिव्यू। अब मैं चलता हूँ गाड़ी के बाहर एंड गाड़ी की प्राइसिंग वगैरह की थोड़ी बात कर लेता हूँ आपसे आखिरी में। सो लेट्स कीप गोइंग। गाड़ी से बाहर जाने से पहले आपको गाड़ी का एक बार इंजन नॉइस भी सुना था। सो बहुत लोग का कहना है कि ये 3 सिलेंडर इंजन है तो इसमें इंजन नॉइस ज़्यादा होगी, सो वो भी हम चेक करके देख लेते हैं एक बार। सो आप देख सकते हैं मैंने इंजन को ऑन कर लिया एंड एकदम साइलेंट है ये गाड़ी, इसमें कोई भी इंजन नॉइस नहीं आ रही है। सो अब मैं चलता हूँ गाड़ी के बाहर एंड गाड़ी की एक बार और आपको डिटेल दे देता हूँ क्या प्राइसिंग पे आई है ये गाड़ी। सो लेट्स कीप गोइंग। आ चुका हूँ फाइनली रेनॉल्ट टाइगर के बाहर एंड आफ्टर रिव्यूइंग दिस कार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। जो इसकी स्पेस है वो अनबिलीवेबल है, ना बूट में कोई कमी है, ना लेग स्पेस में कोई कमी है, ना फ्रंट स्पेस में कोई कमी है। इस गाड़ी में स्पेस की कोई भी कमी नहीं लगी। सो यार मतलब मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ रिव्यू करी, कॉम्पैक्ट SUV तो सारी ही रिव्यू कर रखी है, बट ये सबसे ज़्यादा स्पेशियस लगी। जैसे अगर मैं XUV 300 की बात करूँ इसके सामने, सो उसका सीटिंग स्पेस काफ़ी अच्छा है पर बूट स्पेस में वो ख़त्म है। इसमें आपको सीटिंग स्पेस भी मिल रहा है, बूट स्पेस तो मैसिव है। सो ये गाड़ी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। प्राइसिंग की बात करूँ तो 5.45 लाख से चालू होकर 8.45 लाख तक की इसकी कीमत है। सो काफ़ी अच्छी अग्रेसिव प्राइसिंग है, मतलब गाड़ी का जो टॉप मॉडल रहेगा टर्बो पेट्रोल में वो 10 लाख के अंदर रहने वाला है आपका एंड उसमें आपको सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं। सो गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को गाड़ी कैसी लगी। सो